जीपी एसोसिएशन गोरखपुर द्वारा रविवार को टाउन हॉल स्थित एक निजी हॉल में वार्षिक वैज्ञानिक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची एम्स की निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर सुरेखा किशोर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एम्स की निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने कहा कि जीपी एसोसिएशन के माध्यम से जो सीएमआई एवं समाज में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होता है वह बेहद प्रशंसनीय है। एम्स गोरखपुर के चिकित्सक भी इस तरह के कार्यक्रम में अपना योगदान देने को तैयार हैं। वहीं तमकुही विधायक डॉक्टर असीम कुमार ने कहा कि मेडिकल पैसा सेवा भाव से करना चाहिए। हम सभी चिकित्सक यहां सेवा भाव अध्ययन के समय से ही आ जाते हैं। इस वैज्ञानिक गोष्ठी में केजीएमसी लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर नितिन अरुण दीक्षित, जो रेडियोलॉजी विभाग के कंसल्टेंट हैं, उन्होंने एरोरिक बीमारियों जैसे मधुमनी, खून की नली में गांठ एवं वॉल्व की जटिल बीमारियों का इलाज इंटरवेंशन विधि के द्वारा बिना चीरा लगाए किया जा सकता है एवं स्टेट ग्राफ्ट डाला जा सकता है, जिसमें मरीजों को बहुत लाभ होता है। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर वाई सी यादव, डॉक्टर डी के श्रीवास्तव, डॉक्टर जे पी जायसवाल, डॉक्टर स्मिता जायसवाल, डॉक्टर आर पी शुक्ला, डॉक्टर बबीता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर सुरेखा किशोर ने कहा, आज का जो ये जीपी एसोसिएशन की एनुअल मीट इन्होंने ऑर्गेनाइज किए है और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें सबसे पहले जो मुख्य बात जो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जनरल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन है, ये हर साल एक एकेडमिक मीट करते हैं ऐसे ही, जिसमें इनके पूरे साल भर के जो जो इन्होंने कार्य किए हैं उसकी अपडेट्स देते हैं। और हर साल में बीच बीच में ये लोग सीएमईज और वर्कशॉप्स कराते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हेल्थ से संबंधित कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और आज का जो टॉपिक जो इन्होंने कवर किया है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के ऊपर है और डायबिटीज़ के ऊपर है, जो कि आजकल आप देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं और काफ़ी सारे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और डायबिटीज़ से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं वो आज के जो हमारे कार्यक्रम है उसमें दी जा रही हैं। और साथ ही साथ एक एओर्टिक डिजीज़ के ऊपर भी एक टॉपिक है, जिसमें कुछ बाहर के लोग भी आ रहे हैं, जो कि ये स्पीकर्स करके और जो लोग अपने एक्सपर्टीज़ उसके बारे में जानकारी देंगे।